द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू वॉच माय ऑल न्यू वीडियोस। Hey, what's up guys? This is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. तो आज आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अब क्या होगा, मैं आप लोगों को एप्टीट्यूड पूरा सिखाऊंगा, राइट? तो बेसिकली गेट के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग क्वेश्चंस अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर हमें मिलता है यूज़ करने के लिए, वो भी कैसा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, राइट? तो आपका जो तरीका होगा सॉल्व करने का क्या है वो अलग, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सॉल्व करेंगे। इसके पीछे लॉजिक है, देखो हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं क्या एक घंटे में, 3 आवर्स का पेपर होता है, 180 मिनट्स हो गया। तो एक क्वेश्चन में लगभग हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग मिनट मिलते हैं, 2 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है एप्टीट्यूड से, एक होता है स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, राइट? कभी कभी क्वेश्चन पाई चार्ट से भी आया है। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, राइट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और एप्टीट्यूड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट? इसके अलावा आपका नंबर सीरीज आ गया, उसमें क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, हम सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, स्टेप बाय स्टेप होगा। इसके बीच में कोई और किसी भी चीज़ का वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एप्टीट्यूड का वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें होगा क्या स्पेशल मिलेगा आपको, अगर आप बहुत बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता है एप्टीट्यूड में, फिर भी आपके लिए ये ट्यूटोरियल्स होंगे। मैं पूरा बेसिक से टॉप लेवल की बात करूंगा, जितना आपको चाहिए गेट के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो एप्टीट्यूड में क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा खाली एप्टीट्यूड से इंग्लिश के अलावा 10 मार्क्स के आसपास आएंगे आपके, राइट? इसमें से 2 क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स के होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, बाकी 4-5 क्वेश्चन किसमें होते हैं आपके 1 मार्क वाले होंगे, राइट? अच्छा, नेक्स्ट, एक तो बिगिनर हो गया। सेकंड, मैं बात करूंगा इसमें 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 100 तरह के क्वेश्चन। अरे एप्टीट्यूड टोटल ट्यूटोरियल्स कितना होगा, 100 ट्यूटोरियल्स होगा। हर क्वेश्चन के लिए मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। डेज कितना लगेगा एग्जैक्टली बता नहीं सकता आपको, बट हाँ इस महीना में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, दिस मंथ हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट? अच्छा, अब तक जो वीडियोस है इस चैनल पर लगभग 700 प्लस वीडियोस है गेट के लिए, बाकी दूसरी चीज़ के लिए वीडियोस है, राइट? तो अगर ये 700 वीडियोस कोई देखता है, सारा वीडियोस एक एक करके तरीके से, उसके बाद आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, आपके मार्क्स मिनिमम 50 मार्क्स आएंगे अगर आप ढंग से कर रखें तो, बिकॉज इसमें सारा प्रीवियस पेपर है और सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं लगभग गेट पॉइंट ऑफ वीडियो व्यू के वजह से, मतलब क्या है गेट आपका क्रैक हो जाए अच्छे मार्क्स से, राइट? अच्छा, अब देखो बहुत से लोग बोलते हैं क्रैक, मतलब क्रैक से क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो क्रैक से भी फ़ायदा मिलते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन खाली क्रैक से बहुत फ़ायदा मिलता नहीं है। खाली क्रैक से क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा आपका एमटेक में, हो सकता है मे भी आपको जॉब मिलने पे बेनिफिट मिल जाए कि आप गेट क्वालिफाइड हैं, राइट? अच्छा, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है, आप किसी के बात मत सुनो, इसको आप इम्प्लीमेंट करो। क्या है, ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो कोई भी ओलंपिक में भागता है उसका भी 2 पैर होता है, कहीं वो तो पैर भी नहीं होते हैं, वो भी टॉप कर लेते हैं, मतलब वो भी पोजिशन ले आते हैं। अब सोचो ना क्यों लाते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो, लेकिन आपको टाइम और एफर्ट तो डालना पड़ेगा, उसी में सब कुछ आ गया, राइट गाइस? सो होपफुली आपको एप्टीट्यूड बहुत अच्छा लगेगा और आपको मज़ा आएगा, राइट? अच्छा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड कीप वॉचिंग ऑल वीडियोज ऑफ एप्टीट्यूड जो एक के बाद एक आएगा। ओके, बाय बाय।